हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पाकिस्तान आर्मी ने भारत के साथ जंग की तैयारी शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाक सीमा पर तैनात टुकड़ियों के लिए युद्ध का सामान भेजने की योजना बना रहा है। अस्पतालों को भी मेडिकल सहायता तैयार रखने के लिए कहा गया है। पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पीओके में एलओसी का दौरा किया। जवानों से कहा गया कि किसी भी मौके के लिए तैयार रहे। वहीं जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर ने इमरान खान सरकार से कहा है कि भारत की तरफ से आ रहे दबाव के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी ने पुलवामा हमले की निंदा की। रिपोर्ट में कहा गया है कि बलूचिस्तान में मौजूद पाक सेना और पाक के कब्जे वाले कश्मीर के स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि भारत से युद्ध होने की स्थिति में तैयारी शुरू कर दे। पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर क्वेटा बेस लॉजिस्टिक्स एरिए से जिलानी अस्पताल को 20 फरवरी को भेजे गए एक आदेश में कहा गया है कि भारत से जंग होने की स्थिति में मेडिकल स्पोर्ट्स तैयार रखें। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूर्वी मोर्चे पर आपात युद्ध की स्थिति में घायल जवानों को सिंध और पंजाब के सिविल और मिलिट्री अस्पतालों से मदद मिलेगी। शुरुआती इलाज के बाद घायल जवानों को बलूचिस्तान के सिविल अस्पताल में भेजा जाएगा। यहां उन्हें तब तक रखा जाएगा तब तक सिविल मिलिट्री अस्पतालों में बिस्तरों की व्यवस्था नहीं हो जाती। सिविल अस्पतालों को बिस्तरों की संख्या 25% तक बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गुरुवार को पीओके सरकार ने नीलम झेलम रावल कोट हवेली कोटली और भिम्बर के नियंत्रण रेखा से सटे इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की है। जंग की स्थिति में लोगों से मुस्तैद रहने के लिए भी कहा गया है। पीओके सरकार ने लोगों से कहा कि जंग के वक्त सुरक्षित रास्तों से जाएं। एलओसी के पास रह रहे जिन लोगों ने बंकर नहीं बनाए हैं उन्हें तुरंत तैयार कर लेना चाहिए। लोगों को रात में अनावश्यक रूप से लाइट भी नहीं जलाना चाहिए। एलओसी के पास भी न जाने को कहा गया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना